नमस्कार दोस्तों, हेल्थ एंड किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं पनीर पॉपकॉर्न्स। तो यहाँ पे पनीर पॉपकॉर्न्स के लिए मैंने जो इंग्रेडिएंट्स लिए हैं, यहाँ पे मैंने ब्रेड क्रम्स लिए हुए हैं, ये कॉर्नफ्लोर है, मैदा मैंने लिया है, यहाँ पे चाट मसाला है, ये गरम मसाला मैंने लिया है, ये पनीर के मैंने पीसेस किए हैं बारीक बारीक, आप देख सकते हो। इसके साथ मैंने यहाँ पे काली मिर्च पाउडर ली है, लाल मिर्च पाउडर है और नमक, और यहाँ पे पानी लिया है। तो अब हम रेसिपी के लिए स्टार्ट कर। यहाँ पे मैंने एक बाउल लिया हुआ है। अब इस बाउल में मैं कॉर्नफ्लोर ले रही हूँ। सबसे पहले ये आधा कप, आधा से कम कॉर्नफ्लोर लिया है मैंने। यहाँ पे आधा कप मैंने मैदा लिया हुआ है। इसमें ये जो लाल मिर्च पाउडर है ये मैं डाल रही हूँ, काली मिर्च पाउडर भी डाल रही हूँ साथ ही में, चाट मसाला, गरम मसाला और नमक। नमक स्वाद के अनुसार हमें इसमें डालना है। अब इन सारी चीज़ों को मैं एक बार ऐसे ही मिक्स कर लेती हूँ, और अब इसमें ये थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमें इसकी एक पेस्ट बनानी है। पानी हमें थोड़ा थोड़ा ही डालना है, एकदम से इसमें नहीं डालना है। अगर एकदम से पानी डाल देंगे तो ये जो पेस्ट है वो काफ़ी थिन हो जाएगी, मतलब स्लरी के जैसे हो जाएगा और वो पनीर को कोट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ही हमें इसमें पानी डालते रहना है। तो इसे मैं मिक्स कर लेती हूँ और इसकी एक पेस्ट बना लेती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये मैंने घोल रेडी कर लिया है, इस एक स्लरी मैंने तैयार कर ली है, और हमें इतनी ही गाढ़ी ये स्लरी रखनी है, इससे हमें पतली नहीं बनानी है, नहीं तो ये पनीर को अच्छे से कोट नहीं कर पाएंगी। मैं एक बार इसे वापस चला रही हूँ ताकि इसके अंदर कुछ अगर गुठलियाँ बाकी बची रहेगी तो वो भी निकल जाएंगे। और साथ ही में मैंने एक साइड पे तेल गरम करने के लिए रख दिया है, आप देख सकते हैं। पे मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया है और फ्लेम को मीडियम रखा है। हमें मीडियम फ्लेम पे ही इस पॉपकॉर्न को पनीर के फ्राई करना है। तो सबसे पहले अब मैं क्या कर रही हूँ कि ये मैंने एक पनीर का पीस लिया है, इसको मैंने इस घोल में अच्छे से कोट किया है चम्मच की सहायता से ही। अब मैं इसे निकाल रही हूँ और इस ब्रेड क्रम में डाल रही हूँ। इसी तरीके से मैं और एक पनीर का पीस इसमें डाल देती हूँ, इसे भी अच्छे से कोट करते हैं, ब्रेड क्रम्स में डाल देते हैं। इन्हें मैं ब्रेड क्रम्स लगा के अच्छे से कोट कर रही हूँ, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने ब्रेड क्रम्स यूज़ किए हैं। आप चाहिए तो आपके पास अगर कॉर्नफ्लेक्स है तो आप कॉर्नफ्लेक्स भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। मैगी जो होती है हमारी खाने की, उसका भी आप चूरा करके उसे भी आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। मेरे पास ब्रेड क्रम्स थे, इसके लिए मैंने यहाँ पे ब्रेड क्रम्स यूज़ किए हुए हैं। अब इसे मैं इस तेल में फ्राई करने के लिए छोड़ रही हूँ, ये देखिए। और तेल का जो टेम्परेचर है वो इतना ही हमें गर्म चाहिए, इससे ज़्यादा अगर आप गर्म करोगे तो ये जल जाएंगे। अब इसी तरीके से मैं सारे पॉपकॉर्न्स बना लेती हूँ। यहाँ पे मैंने ब्रेड क्रम्स से कुछ पॉपकॉर्न्स जो है वो फ्राई कर लिए हैं ब्रेड क्रम्स लगा के। अब मैं आपको मैगी के साथ भी कुछ पॉपकॉर्न्स मैं फ्राई करके आपको बताती हूँ। तो ये मैंने मैगी का जो एक केक रहता है वो मैंने लिया था और उसे मैंने हाथ से ऐसे मोड़ लिया है, आप देख सकते हैं। अब सेम प्रोसीजर हमें करनी है जैसे हमने मैगी ब्रेड क्रम के साथ किया, कि पनीर को इस डिप में से निकाल के मैगी में रखना है, मैगी को कोट करना है सारी तरफ से और फ्राई करना है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है। तो यहाँ पे ये मैंने पनीर का एक पीस लिया हुआ है, इसे मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, ये देखिए, इसे मैंने कोट कर लिया है। और अब मैं इसे फ्राई कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने गैस को बंद कर दिया है क्योंकि ऑलरेडी ये तेल बहुत गर्म हो चुका है, तो इसी टेम्परेचर में ये बॉल हमें फ्राई करके लेना है। ये देखिए, एक बॉल मैंने मैगी में कोट किया था पनीर का, वो कैसे अच्छे से कोट हो गया है और फ्राई भी हो गया है। इसी तरीके से मैंने दूसरा वाला भी इसमें डाल दिया है, इसे भी हम फ्राई कर लेते हैं। इसे फ्राई होने में थोड़ा वक्त लगता है, पर ये जब भी फ्राई हो के निकलते हैं तभी बहुत क्रिस्पी होते हैं। इसी तरीके से मैं मैगी के कोटिंग वाले भी पॉपकॉर्न्स आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो पॉपकॉर्न्स थे ये मैंने रेडी कर लिए हैं, ये ब्रेड क्रम्स वाले भी हैं और मैगी वाले भी हैं, और मैं आपको तोड़ के भी बताती हूँ। ये देखिए,
कितने मस्त और करारे हो चुके हैं। तो अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। और ये जो डिश है ये इंस्टेंट डिश है, कभी भी आपके घर पे कोई गेस्ट आए तो ये आप झटपट बना सकते हो। थैंक यू।